नमस्ते मेरे दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उत्कल यूनिवर्सिटी एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में कैसे एडमिशन होता है। पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप लोग को दिया जाएगा। फर्स्ट जो बात है, आई एम होपिंग कि आप लोग का सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मे द बेस्ट गेट एडमिशन इन दी बेस्ट, दैट इज उत्कल यूनिवर्सिटी। तो पहले जो हम लोग बात करेंगे कि टोटल सीट्स कितने होते हैं। एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में टोटल सीट्स है 20, दैट इज 20 सीट्स है टोटल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिजर्वेशन क्या क्या रहता है। एससी के लिए रिजर्वेशन रहता है 16.25%, एसटी के लिए रिजर्वेशन रहता है 22.5%, और 5% रिजर्वेशन रहता है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के लिए, और 1% रिजर्वेशन रहता है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है रिजल्ट्स के बारे में। इसका मतलब है कि जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, आप लोग का सबका एग्जाम हो गया है, नेक्स्ट स्टेप जो है मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना। तो मेरिट लिस्ट में जो आपका स्कोर आता है, टोटल स्कोर, वो डिपेंड करता है दो कॉम्पोनेंट्स पे। पहला कॉम्पोनेंट है आपका एंट्रेंस का मार्क्स, जो कि 70% होता है, और एक कंपोनेंट है जो कि सेकेंड कंपोनेंट, वो है आपका कैरियर वेटेज। कैरियर वेटेज में क्या क्या कंसीडर किया जाता है, आपका 10th का मार्क्स, आपका 12th का मार्क्स और आपका बीएससी का मार्क्स। इसके साथ साथ अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी था और आपका अगर डिस्टिंक्शन था बीएससी में, तो उससे आपके रैंकिंग में और ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी कि अगर आपका डिस्टिंक्शन था बीएससी में और आपका ऑनर्स सब्जेक्ट अगर माइक्रोबायोलॉजी या फिर रिलेटेड टू अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी था, तो उससे आपका रैंकिंग और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट अपलोड होने के बाद उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है और फर्स्ट सिलेक्शन होता है, सेकंड सिलेक्शन होता है, और उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होता है। और एक जो टॉपिक है वो है कट ऑफ। कट ऑफ को लेके बहुत स्टूडेंट्स के मन में बहुत टाइप के क्यूरियोसिटीज रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस बार के पेपर को 2020 या फिर 2021 के पेपर के साथ कंपेयर करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस बार का पेपर थोड़ा टफ था। तो फिर हमें उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ भी थोड़ा नीचे जाएगा। कट ऑफ के बारे में आपका जो भी क्यूरियोसिटी था वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो बात हम लोग जिस बारे में करेंगे वो है मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, मेरिट लिस्ट अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको इंटीमेशन लेटर भेजा जाएगा, जो कि आप लोग डायरेक्ट अपने सैम्स पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीमेशन लेटर में मेंशन किया जाएगा डेट, प्लेस और टाइम, यानी कि आपका किस दिन एडमिशन डेट है, प्लेस कहाँ पे है और टाइम क्या है। इसके साथ साथ इंटीमेशन लेटर में जो मेंशन किया जाएगा वो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है एडमिशन के लिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरी होगा एडमिशन के लिए वो सारा मेंशन किया रहेगा इंटीमेशन लेटर में। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स फीस, जो कि है 60,000 रुपीज पर एनम। ये प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो चीज प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है वो ये है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो ये जो 60,000 रुपीज पर एनम, ये जो आपको सबमिट करना है आपका फीस, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट में सबमिट करना पड़ेगा। तो आइदर आप अपना डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करके ला सकते हैं 60,000 रुपीज के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में जो बैंक्स हैं उसमें जाके आप लोग अपना डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप पहले से ₹60,000 का डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करके लाए। द डिमांड ड्राफ्ट विल बी एड्रेस्ड टू कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस उत्कल यूनिवर्सिटी। ठीक से सुन लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट एड्रेस किया जाएगा कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस
उत्कल यूनिवर्स, मुझे मालूम है कि बहुत स्टूडेंट्स को हॉस्टल की भी रिक्वायरमेंट होगी, हॉस्टल जिनको भी जरूरत है ये मैं बता दूं कि एडमिशन के टाइम पे ही हॉस्टल फॉर्म एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू हॉस्टल्स विल बी डिस्कस्ड बाय आवर टीचर्स। तो सारे टीचर्स आपको हेल्प करेंगे हॉस्टल के लिए, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि हॉस्टल के लिए फॉर्म, हॉस्टल का फीस एटसेट्रा, वो सारे डिटेल्स एडमिशन के टाइम पे ही आपको मेंशन करवा दिए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं सबको बोलना चाहूंगा, हॉस्टल आपको इमीडिएटली नहीं मिल जाएगा, आपको एटलीस्ट एक महीना या डेढ़ महीना वेट करना पड़ेगा हॉस्टल्स के लिए, क्योंकि हॉस्टल इवैक्यूएशन एटसेट्रा में टाइम लगता है, तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। ऑल्सो प्रोवाइडेड डाउनलोड लिंक्स टू द सीपेट प्रोस्पेक्टस, डू चेक आउट अवर फेसबुक पेज पॉकेट नोट्स, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज फील फ्री टू मेल अस एट mail2pocketnotes@gmail.com। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।